चलिए, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या था, न्यूट्रल कंपाउंड्स थे, है ना, कि जो अपने पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट कर दिया, है ना, सील्ड कंटेनर में, तो ये टूट गया। क्या टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन ले लिया आपने और हाइड्रोजन, ठीक, इसके साथ रिएक्शन कर दिया आपने, तो बन गया क्या, अमोनिया, है ना, ऐसे। तो ये जो चल रहा था इक्विलिब्रियम, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में चल रहा था इक्विलिब्रियम, ठीक। अब क्या होगा, अब अपने पास एक ऐसा कंपाउंड होगा जो टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन में। अब रिएक्शन, अभी तक तो रिएक्शन कहां चल रहा था, एक्वस फेज में भी और गैशियस फेज में भी। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो अपना सब्सटेंस है वो एक्वस सॉल्यूशन में लिया जाएगा, और एक्वस सॉल्यूशन में लेने के बाद कुछ सब्सटेंसेस टूट जाते हैं, कुछ नहीं ब्रेक हो पाते, तो जो ब्रेक हो जाएंगे आयंस में उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, जो ब्रेक नहीं होंगे उसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइट्स का। कैसा, इलेक्ट्रोलाइट्स का। फिर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट भी दो कैटेगरी का होता, एक को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आयनिक इक्विलिब्रियम ही चैप्टर किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जो रिवर्सिबली टूटेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो इरिवर्सिबली टूटता है, जिसके लिए बोलते हैं हम लोग 100% टूट गया, अल्फा उसके लिए 1 है, तो वो अपना टॉपिक नहीं है। क्लियर। तो आयनिक इक्विलिब्रियम है क्या, इट इज द स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिखिएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, आयनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ, आयनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आयनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें एक लॉ लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस लॉ। कौन सा लॉ, आर्हेनियस लॉ। तो लिखिए, हेडिंग डालिए आर्हेनियस लॉ। लिखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस मीडियम डिसोसिएट्स पार्शियली into its ions any weak electrolyte in aqueous medium dissociates partially into its ions and remains in equilibrium with its ions and remains in equilibrium with its molecular form or the undissociated molecule. Clear, कोई दिक्कत।
तो चलो इस लॉ पे आने से पहले आप जनरल बात समझो कि जैसे सब्सटेंस की अलग अलग कैटेगरी होती है, वैसे ही यहां भी एक कैटेगरी बोल रहे हैं सब्सटेंस की। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा गया। क्या? दो टाइप का सब्सटेंस है। क्या है? एक सब्सटेंस को बोलते हैं क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा। कौन? उसका एक्वस सॉल्यूशन। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया और पानी में ग्लूकोज डाल दिया। क्लियर? ठीक, समझ में आ रही बात? अब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तब क्या पता चला? नो कंडक्टेंस, यहां पे कोई कंडक्टेंस नहीं मिला। इसका मतलब कि साहब ये जो ग्लूकोज है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ब्रेक होता तो आयंस देता तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती। क्लियर है? वो कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं कर रहा। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, कौन? उसका एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, यूरिया एक्सेट्रा। क्लियर? ये सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा सब्सटेंस है जिसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। कौन है इलेक्ट्रोलाइट? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डाला, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, अब देखा इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ अगर हो गया तब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो गया तो कंडक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को, तो तब बोलेंगे ये जो सब्सटेंस है अपना वो है इलेक्ट्रोलाइट। वो सब्सटेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है NaCl। एग्जांपल है NaCl, ये पानी है। इस पानी में आपने NaCl को डिसॉल्व कर दिया और सॉल्यूशन बनाया और यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की। क्लियर? तो पता चला कि साहब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ रही बात? अब जाहिर बात है कि ये अपना प्रिडिक्शन होगा थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली तो आपको रिजल्ट ये मिला कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, तो हम सोचेंगे ना क्यों किया होगा, तो क्या बोलेंगे ये ब्रेक कर गया। हम लोग क्या जानते हैं, NaCl आयनिक कंपाउंड है, ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही पानी में आएगा ब्रेक कर जाएगा, तो किसमें ब्रेक करेगा? तो बोलेंगे NaCl ब्रेक कर जाएगा। किसमें? बोलो Na+ में। और किसमें? Cl- में। कोई दिक्कत? ठीक, हमें पता है ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड पूरा पूरा ब्रेक करेगा, आयनिक कंपाउंड पूरा पूरा ब्रेक करेगा हमेशा। कोई दिक्कत? जब ये ब्रेक कर गया पूरा पूरा, इसका मतलब क्या, अगर इसका सी कॉन्सेंट्रेशन तुम लिए तो फाइनली ये जीरो बन जाएगा, और अगर ये जीरो है तो ये सी और सी में ब्रेक हो गया। इसका मतलब इसका कुछ बचा ही ना। जब इसका बचा ही ना तो इक्विलिब्रियम का आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये है इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी कैटेगरी हुई, हमने एक और इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेट से CH3COOH, इसको डिसॉल्व किया कहां? उसी पानी में। क्लियर? और फिर चेक किया तो पता चला ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जब कंडक्टेंस देखा तो पता चला इसका कंडक्टेंस ज्यादा है, इसका कंडक्टेंस बहुत कम है। क्लियर? तो बाद में साइंटिस्ट ने सोचा कि साहब इसका कंडक्टेंस क्यों बहुत कम है, तब बाद में पता चला कि ये टूटता तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटता। कैसे टूटता? रिवर्सिबली टूटता है। तो ये कैसे टूटता है? CH3COOH पानी में डालोगे तो ये CH3COO- एक्वस बना देगा और H+ एक्वस बना देगा, और ये टूट रहा है क्या? रिवर्सिबली। कैसे टूट रहा है? रिवर्सिबली। आगे चल करके इसी का आयनाइजेशन कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 10^-5 लिखेंगे और यही बताएगा के सी हमें क्या बताता था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जिसके लिए के सी की वैल्यू वेरी हाई, तो क्या बोलते थे कि साहब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले में बहुत ज्यादा। जिसके लिए के सी वेरी लो, तब क्या बोलते थे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले में बहुत कम। तो जिसका केसी वेरी हाई उसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वेरी हाई, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हम लोगों ने। जिसका केसी वेरी लो उसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वेरी लो। जैसे यहां दिख रहा मैं 10^-5, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 10^-5 है।
है ना, 10^5 का मतलब 1,00,000। इसका मतलब अभी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट के मुकाबले में 1,00,000 गुना ज्यादा है, या उल्टा बोलो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के मुकाबले में 1,00,000 गुना कम है। मतलब क्या कि अगर तुमने ये 1,00,000 मॉलिक्यूल लिया ना तो ये सिर्फ एक ही टूट करके गया, समझ मारी बात। तो 1,00,000 में कोई एक टूटे तो उसको कोई टूटना बोलेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट फर्दर कितनी कैटेगरी में बटेगा, दो में, एक को क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग और दूसरे को क्या बोलेंगे वीक। क्लियर? ठीक। अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो जब रिवर्सिबल को फॉलो ही नहीं करेगा तो हम लोग क्या बात करेंगे, क्या हम इसमें इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे, नहीं। तो अपने मुद्दे का कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक। ठीक। अब देखेंगे ये आएगा, ये आएगा कब, कि जब हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया उसमें स्ट्रॉन्ग डाल दे तो वो स्ट्रॉन्ग क्या इफेक्ट डालेगा, किस पे, वीक पे। इसलिए हमने बोला ये चैप्टर ही किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का और उस पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक। चलिए तो क्या बोला, हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, ये सारी बातें नोट कर लो, हम पॉज ले लेते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको बोल रहे हैं, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोगों ने बोला कि ये इलेक्ट्रोलाइट फर्दर दो कैटेगरी का है ना, एक को हम लोगों ने क्या बोला स्ट्रॉन्ग, क्या बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। जैसे आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4, ये सब किस कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग। ब्लर हो रहा है ना, एक मिनट इसको ठीक कर ले, अब शायद सही रहेगा। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा अब, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? उसी तरीके से कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस अपना, जैसे अल्कली या अल्कलाइन, है ना, लाइक आपके पास NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रूबीडियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरीके से अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने स्ट्रॉन्ग बेस है, या कोई भी सॉल्ट हो, स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट वो अलग है, वो पढ़ेंगे हम बाद में, है ना, जनरली कोई भी सॉल्ट हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो केटाइन और एनायन का प्रोडक्ट बना दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। अल्फा की वैल्यू 1 होने का मतलब दे आर 100% डिसोसिएटेड। क्लियर? 100% डिसोसिएटेड। अगर 100% डिसोसिएटेड हो गया तो इरिवर्सिबली टूट रहा है। क्लियर? इसलिए यहां इक्विलिब्रियम का कोई मुद्दा ही नहीं। ठीक। दूसरी कैटेगरी हम लोगों ने क्या बोला, दूसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? क्या नाम दे रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, वीक, फिर गायब हो गया, अरे यार क्या तमाशा हो रहा है आज, आ भाई चल। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा पूरा न टूटे, जो पूरा पूरा न टूटे, रिवर्सिबली टूटे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इनके अलावा जो एसिड होंगे, जैसे अपना HF, ये वीक एसिड है ना, क्लियर है, उसी तरीके से CH3COOH, ये वीक एसिड है, HCOOH, ये वीक एसिड है, H2S, वीक एसिड है, H3PO4, वीक एसिड है, H3PO3, वीक एसिड है, ये सब कैसा एसिड है, वीक।
वीक एसिड। तो जितने वीक एसिड हैं अपने या जितना वीक बेस है, लाइक आपके पास NH4OH है ना, अमोनिया, ठीक उसी तरीके से अमीन, ऐसा कोई भी ऐसा बेस, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, वीक बेस। क्लियर? तो वीक बेस और वीक एसिड और वीक बेस, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कंप्लीटली नहीं टूटते, कंप्लीटली नहीं टूटते मतलब अल्फा की वैल्यू इज लेस देन वन, सिर्फ लेस देन ही नहीं बहुत कम होती है। क्लियर है? अल्फा की वैल्यू इज मच मच लेस देन वन। देखेंगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल में तो खुद ही निकल के आ जाएगा वैल्यू, देखोगे आप 0.01 0.001 ऐसा कैटेगरी आएगा। क्लियर? मतलब क्या, लेस देन 100% डिसोसिएटेड, लेस देन 100% डिसोसिएटेड। ये पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, 1% 2% 5% ऐसे टूटेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ये है अपना मुद्दा, इसको हमें पढ़ना है। क्लियर? ये बनाएगा क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये मेंटेन करेगा क्या, इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का मुद्दा ही ये सारे हैं, ये सब आएंगे, कोई दिक्कत। इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब क्या बोला इसने, आर्हेनियस ने क्या बोला, आर्हेनियस ने बोला साहब कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, हाँ नोट करो नोट करो, तो आर्हेनियस लॉ क्या कह रहा है आपका, कि कोई भी अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, किसके साथ, अपने टूटे हुए पार्ट के साथ और बगैर टूटे हुए पार्ट के साथ। मान लो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेट द इलेक्ट्रोलाइट इज ए एक्स बी वाई, ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, तो जाहिर है इसकी वैलेंसी कहां है, यहां, और इसकी वैलेंसी कहां है, यहां, है ना। तो ये अगर रिवर्सिबली टूटेगा तो कैसे टूटेगा, क्या बोलोगे, यहां क्या लिखोगे, एक्स इंटू ए वाई पे पॉजिटिव प्लस वाई इंटू बी एक्स पे नेगेटिव, ये तरीका होता है लिखने का। क्लियर? ऐसे ये टूट गया। अब क्या बोला, ये जो पार्ट है वो डिसोसिएटेड पार्ट है और ये जो पार्ट है वो अनडिसोसिएटेड पार्ट है, तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। तो अब यहां से क्या बोलेंगे, अब यहां से क्या बोलेंगे कि इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम में तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बराबर क्या लिखोगे यहां पर, जनरल अपना ए वाई पे है ना पॉजिटिव, अरे हाँ वाई पॉजिटिव, ठीक है अच्छा ये छोटा सा लिखना था, ये तो उसका क्या है, चार्ज है ना, वाई पॉजिटिव, इस पे पावर क्या, एक्स इंटू बी एक्स माइनस पे पावर वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स बी वाई, यही तो करते आ रहे हैं हम लोग किसमें, पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये तो किया नहीं क्या, जो साइड में कोफिशिएंट था वो बना पावर। क्लियर? तो ये एक्वस मीडियम में ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो कोई नई चीज तो आई नहीं, सिर्फ वहां न्यूट्रल था और यहां आयनिक फॉर्म में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत। ठीक, अब जो अपने इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन सी चीज आती है, तो कोई आता है एसिड, कोई आता है बेस, कोई आता है सॉल्ट, ये सब आएगा। क्लियर? हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आर्हेनियस ने क्या बोला, आर्हेनियस ने बोला, आर्हेनियस ने क्या बोला कि साहब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड के साथ क्या मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम। ठीक, तो पहले हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट है कौन, एसिड बेस और सॉल्ट, तो पहले हम लोग एसिड बेस का डेफिनेशन पढ़ ले, है ना, लिखो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर एसिड एंड बेस। तो पहला कॉन्सेप्ट लिखेगा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या बोला, बेस के बारे में क्या बोला, उसको लिखेंगे, ये आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। लिखो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट,
लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज द सब्सटेंस, एन एसिड इज द सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज द सब्सटेंस विच रिलीजेज एच प्लस आयन, विच रिलीजेज एच प्लस आयन एंड ए बेस इज द सब्सटेंस, एंड ए बेस इज द सब्सटेंस विच रिलीजेज ओ एच माइनस आयन. ए बेस इज द सब्सटेंस विच रिलीजेज ओ एच माइनस आयन. क्लियर? तो एच प्लस आयन डोनर को क्या बोलेंगे? आर्हेनियस एसिड. और ओ एच माइनस आयन डोनर को क्या बोलेंगे? आर्हेनियस बेस. क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं? कोई भी सब्सटेंस, लेट ए सब्सटेंस इज एच एक्स, ये क्या दे रहा है? पानी में डिजोल्व करने के बाद एच प्लस और एक्स माइनस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड. क्या बोलेंगे? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड. जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, ये पानी में डिजोल्व होकर के क्या देगा बोलो? H प्लस और क्या? Cl माइनस. H2SO4 ये पानी में डिजोल्व होकर क्या देता है? H प्लस और HSO4 माइनस, या 2H प्लस और SO4 2 माइनस, है ना? उसी तरीके से HCOOH फॉर्मिक एसिड, नो डाउट ये रिवर्सिबली दे रहा है, बट दे तो रहा है, बोलो भाई. रिवर्सिबली दे रहा है उससे क्या मतलब? दे तो रहा है H प्लस. CH3COOH ये भी रिवर्सिबली दे रहा है, बट H प्लस दे ही तो रहा है. क्लियर? समझ रहे? तो इन सब को इकट्ठे हम लोग क्या नाम देंगे? एसिड. क्या नाम देंगे? एसिड. व्हाई? बिकॉज ये सब H प्लस दे रहा है. सिमिलरली जो OH माइनस डोनर होगा, लेट से इफ वी हैव YOH, तो ये टूट के क्या दे रहा है? Y प्लस और क्या? OH माइनस. ठीक? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेस. किसके अकॉर्डिंग? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग. क्यों? बिकॉज इट इज गिविंग यू OH माइनस. ठीक है? इसी पैटर्न पे लिखना चाहो लिख दो, NaOH क्या देता है सर? तो बोलेंगे Na प्लस और क्या? OH माइनस. कहां? पानी में खुद से, है ना? KOH क्या देगा? इरिवर्सिबली, चूंकि स्ट्रॉन्ग है तो K प्लस और क्या? OH माइनस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा भाई साहब? क्या देगा? Ca2 प्लस और 2OH माइनस. ये सर नो. सिमिलरली NH4OH क्या देगा ये? तो क्या बोलेंगे? ये क्या दे रहा है? NH4 प्लस और क्या? OH माइनस. समझ मारी बात? कोई दिक्कत? अमोनिया, अमोनिया वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, क्या बना देगा बोलो? क्या बनाएगा? ये बना देगा NH4 प्लस और क्या? OH माइनस. तो ये सब के सब क्या हुए? बेस. क्यों बेस हुए? बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर गिविंग OH माइनस. एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? छापो. ये है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक? अगला लिखो ब्रॉन स्टेट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट. इसको नोट करिए जल्दी से, सब लिखने की जरूरत नहीं, एक आध एग्जांपल लिख लो. ब्रॉन्स्टेड लोरी भी बोलते हैं या ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट बोल दो? ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला एसिड बेस के बारे में? लिखो. According to this concept, Bronsted, according to this concept, an acid is the substance, an acid is the substance which donate H plus ion. An acid is the substance which donate H plus ion. And a base is the substance, and a base is the substance which accepts H plus ion. Acid किसको बोलते? जो H plus ion donate करता है. Base किसको बोलते? जो H plus ion accept करेगा. Clear? समझ मारी बात?
एंड एसिड इज द सब्सटेंस विच डोनेट्स एच प्लस आयन एंड अ बेस इज द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स एच प्लस आयन। तो अब जरा देखो, मान लो आपके पास है एक सब्सटेंस HCl, इसको ट्रीट किए वाटर के साथ, है ना। फुल अगर इसका ट्रीटमेंट हुआ वाटर के साथ तो अभी देखो H प्लस Cl माइनस क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे, ये क्या रिलीज करेगा, H प्लस और क्या Cl माइनस, वो H प्लस इसके साथ जुड़ जाता है ना। तो जुड़ करके क्या बन जाता है, ये बना लेगा क्या H3O प्लस और क्या Cl माइनस। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। सिमिलरली अगर हम लोग बोले यहां NH4 या NH3, NH3 का वाटर के साथ ट्रीटमेंट कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH4 प्लस और क्या OH माइनस। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक से देखो इसको, तो क्या दिख रहा है हमें, HCl काय में कन्वर्ट हो गया Cl माइनस। इस प्रोसेस में क्या हुआ, तो बोलेंगे देयर इज लॉस ऑफ H प्लस आयन। बोलो ये तो हुआ लॉस ऑफ H प्लस आयन ही तो हुआ, है कि नहीं। तो चूंकि इसने H प्लस दिया तो इसे तुम क्या नाम दोगे, एसिड। इसे क्या नाम दोगे, एसिड। H2O किस में कन्वर्ट हुआ है, H3O प्लस में, क्लियर। तो यहां से ये कैसे बन गया, इसका मतलब इसने H प्लस लिया, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, गेन ऑफ H प्लस आयन, तो इसे क्या नाम दोगे, बेस। तो यहां वाटर कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। आगे आ जाओ, अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4 प्लस में, ठीक। कैसे बना ये, तो क्या बोलोगे, इसने H प्लस लिया तो इसके साथ हुआ गेन ऑफ H पॉजिटिव, तो इसे बोल देंगे हम लोग बेस। इसने H प्लस लूज किया है, क्लियर, H प्लस लूज किया है कि नहीं, तभी तो बना क्या OH माइनस, तो इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, एसिड। क्या नाम देंगे, एसिड, क्लियर। तो यही वाटर एक जगह एसिड और एक जगह बेस, एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक, है ना। क्या नाम देंगे, यहां वाटर क्या है, सो वाटर इज एम्फोटेरिक, क्लियर, या इसी का दूसरा नाम बोलते एम्फीप्रोटिक। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल बिहेवियर, क्या होता है, ड्यूअल। प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H प्लस को, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। क्यों बोलते हैं प्रोटॉन, बिकॉज इसके पास सिर्फ प्रोटॉन ही तो है, है ना, इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया, न्यूट्रॉन तो पहले से ही नहीं है, क्लियर। तो वाटर यहां क्या बना, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। खैर, तो इसने एच प्लस दिया तो एसिड, इसने H प्लस लिया तो बेस। तो आप सिंपली क्या बोलोगे कि साहब यहां से यहां H प्लस का ट्रांसफर ही तो है, यस सर नो, तो वो बन गया। सेम बात यहां हम क्या बात करेंगे, ये एसिड क्योंकि H प्लस दिया, ये बेस क्योंकि H प्लस लिया, तो यहां H प्लस का ऐसे ट्रांसफर ही तो है, कोई दिक्कत। अब आओ दूसरी बात करो, अब जरा देखो इधर जो बना है, इधर क्या है H3O प्लस और ये क्या है Cl माइनस। क्या Cl माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है, यस yes. तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, यस yes. कौन होता है पॉजिटिव चार्ज, H प्लस। क्या मतलब ये H प्लस ले सकता है, बोलेंगे बिल्कुल ले सकता है, क्लियर। तो अगर ये ले सकता है H प्लस, तो ब्रॉनस्टेड के अकॉर्डिंग इसे क्या नाम देंगे, बेस। क्या नाम देंगे, बेस, कोई दिक्कत। लेकिन क्या ये बेस पहले से था, नहीं, वो डिसॉल्व करने के बाद, ये कहां से बना, इस एसिड से बना। तो इस बेस को नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और ये पता चला कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस हुआ, क्लियर। सेम बात, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, क्या ये H प्लस लूज कर सकता है, बोलेंगे यस। तो अगर ये H प्लस लूज कर सकता है तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, एसिड। फिर वही बात, क्या ये पहले से था है? नहीं, तो क्या बोलोगे तुम, इससे बना, तो इससे बना है तो इसे क्या नाम दोगे, कॉन्जुगेट एसिड। क्या नाम देंगे, क्लियर। अब ये बना किससे, इस बेस से, तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड, एसिड का कॉन्जुगेट बेस। सेम बात यहां लगा दो, इस बेस से क्या बना, ये, तो जो बेस से बने H+ के ट्रांसफर से उसे क्या बोलेंगे, एसिड। कैसा एसिड,
कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बना है, ये क्या बना है, एसिड से। तो एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस। सो इट विल बी कॉन्जुगेट बेस, क्लियर। और इस पेयर को नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो क्या पता चला कि एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस। और बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बोलेंगे एसिड। बेस का कॉन्जुगेट क्या होगा, कोई दिक्कत याद रहेगा। ये कॉन्जुगेट बनाते कैसे हैं, एसिड से बेस कैसे बनाता, देखो माइनस ऑफ एच प्लस से, है ना। और बेस से एसिड कैसे बनाए, तो बोलेंगे प्लस ऑफ एच प्लस से, देख लो जरा। ये सर नो, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट एसिड, क्लियर। कॉन्जुगेट बेस कैसे बना, बाय द लॉस ऑफ एच प्लस। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बना, बाय द गेन ऑफ एच प्लस। समझ में आई बात। तो अगर हम सिंपल तुम्हारे सामने रख दें कि भाई साहब बताओ जरा एच सी ओ थ्री माइनस का कॉन्जुगेट बेस बना दो, तो तुम क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, लॉस ऑफ एच प्लस से, है ना। तो यहां से एच प्लस हटाओगे तो बचेगा क्या, सी ओ थ्री, एच प्लस गया है तो एक प्लस के बजाय एक नेगेटिव, और एक नेगेटिव पहले से, तो यहां क्या बनेगा, टू माइनस। ये सर नो, क्लियर है। अगर बोले नहीं इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, एच प्लस दे करके। तो इसको अगर एच प्लस दोगे तो पहले तो बन जाएगा एच टू और सी ओ थ्री, और प्लस दिया तो एक प्लस और पहले से एक माइनस, प्लस माइनस जीरो, एच टू सी ओ थ्री। तो अगर हम कोई भी सब्सटेंस दे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस तो बना ही दोगे। तरीका समझ में आया, तो पहले ये पूरा छापो उसके बाद हम सवाल देते हैं, ठीक, नोट इट डाउन। बताया जाए, हो गया, क्या होगा, एच सी ओ थ्री, क्या करें, यहां से एक एच प्लस देंगे ना इसको, एक दो का एक दोगे तुम, डेफिनेशन एक का है दो अपने मन से दे देंगे, है ना, एक देंगे क्या बन जाएगा, एच सी ओ थ्री, इसको एक देंगे तब बनेगा एच टू सी ओ थ्री। तो अगर एच टू सी ओ थ्री लिख दिया तो वो तो कॉन्जुगेट एसिड एच सी ओ थ्री माइनस का है ना, एक एच प्लस, इसको भी एक एच प्लस देंगे चूंकि कॉन्जुगेट एसिड है, ये बन जाएगा एच एन ओ थ्री, है ना, ये क्या बन जाएगा, एन एच थ्री। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एच प्लस दो, तो H प्लस दे दोगे तो बन जाएगा सी एच थ्री एन एच थ्री, ये न्यूट्रल था, है ना, क्लियर है, इसी को तो दोगे, ये न्यूट्रल था तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव था तो इस पे H प्लस दिया तो न्यूट्रल बन गया, तो एनआईन को देंगे तो न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल को देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। इसका कॉन्जुगेट बेस भी बना सकते, H प्लस हटा दो तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री, एक एच बच जाएगा, एच प्लस गया है तो नेगेटिव भी लगाओ, सी पे अगर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता तो इसी को हटा देते, एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन हटेगा, है ना, क्लियर है, ठीक। अगला, इसमें यही है लोन पेयर, ठीक, तो इसको एच प्लस देंगे तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री ओ एच टू पॉजिटिव, सॉरी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो ओ एच माइनस, है ना, ओ एच माइनस, और कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तब सी एच थ्री ओ एच टू पॉजिटिव, और इसका बनाना है कॉन्जुगेट बेस तो इसमें से एक और एच हटाओ, तो एक और हटाओगे तो एच पी ओ फोर टू माइनस, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एक एच जोड़ दो तो बन जाएगा एच पी ओ थ्री, क्या हो जाएगा, HPO3, सॉरी HPO4 ना, HPO4, ये बन जाएगा HPO4। अब क्या, 3 माइनस में एक H प्लस आया तो क्या बन जाएगा, माइनस 2, नेगेटिव चार्ज एक कम हो जाएगा। अगला, HSO4 माइनस, कॉन्जुगेट बेस तो SO4 2 माइनस, एक H प्लस और हटा देंगे तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
है ना, एक नेगेटिव चार्ज पहले से। यहां कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे, H प्लस दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। इसमें H प्लस दोगे तो C6H5COOH। यहां H प्लस जोड़ोगे तो बन जाएगा H2O। कोई दिक्कत, सॉरी कॉन्जुगेट बेस बोला है, कॉन्जुगेट बेस तो O2 माइनस, कॉन्जुगेट एसिड बोलता तो H2O। क्लियर? हाँ सर, HSO4 है, HSO4 माइनस है, हाँ कॉन्जुगेट बेस बनाना, एक H प्लस हटाया, एक H हटा दिया, हाँ SO4 बचा, एक माइनस पहले से था, H प्लस गया तो एक माइनस और लगाओ, H प्लस हटा गया है ना, है ना। यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो H प्लस हटाएंगे तो ये बन जाएगा S2 माइनस, कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तो H प्लस देंगे और देंगे तो H2S बन जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। अगला PH3, इसमें से एक H प्लस हटाओगे बन जाएगा क्या, सॉरी यहां क्या बना रहे, कॉन्जुगेट एसिड तो H प्लस देंगे, देंगे तो बन जाएगा PH4 प्लस और हटाएंगे तो PH2 माइनस। ठीक, यहां से एक H हटा दिए, ठीक, तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस RCOO माइनस, ठीक, और इसमें एक H प्लस दोगे तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH2 प्लस। क्लियर? अगला इसका कॉन्जुगेट बेस एक H प्लस हटा दो तो बन जाएगा RSO3 माइनस, इसका तो एक H यहां से भी हटा दो तो HC2O4 2 माइनस, ऐसे बनेगा। बोलिए, कोई परेशानी? क्लियर है? तो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाने में कोई दिक्कत? तो एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता, बेस, बेस का कॉन्जुगेट क्या होता, एसिड। इसी में एक और बात लिखो, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक का, हाँ, और वीक का कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर? इसका मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, वीक एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट वीक एसिड, वीक बेस का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला लिखिए, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस ने क्या बोला, किसके बारे में, एसिड और बेस के बारे में। तो लिखिए लुईस कॉन्सेप्ट, बंद कर दो, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस लिखा जाए। According to this concept, an acid is the substance. According to this concept, an acid is the substance which can accept electron pair. And a base is the substance. And a base is the substance which can donate electron pair. Which can donate electron pair. Lewis acid किसको बोल रहे? जो electron pair accept करेगा. Lewis base किसको बोल रहे? जो electron pair donate करेगा. तो इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन है? तो बोलेंगे कौन? इलेक्ट्रॉन पेयर, एक नहीं, डेफिनेशन है दो, तो अब दो चाहिए, अपनी मर्जी से, अब एक नहीं, ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्लियर? ये तो लिखा है ना, बेस किसको बोलते,
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को, क्लियर है? ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कोई भी सब्सटेंस कब होगा? जब उसके पास खाली जगह होगा ऑर्बिटल में, तभी ना, क्लियर? तो इसका मतलब लुईस एसिड होने के लिए सब्सटेंस मस्ट बी क्या? सब्सटेंस मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, क्या होना चाहिए? क्लियर, वैकेंट ऑर्बिटल क्या मतलब? उसके पास एक ऑर्बिटल खाली हो, जैसे अपने पास एक सब्सटेंस H पॉजिटिव, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? बोलेंगे यस। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा? बोलेंगे बिल्कुल लेगा। देन मान लो तुम्हारे पास है Cl पॉजिटिव, क्या इलेक्ट्रॉन लेगा? बिल्कुल। Br पॉजिटिव, क्या इलेक्ट्रॉन लेगा? बिल्कुल, है ना, खाली है वैकेंट ऑर्बिटल। न्यूट्रल कंपाउंड लेना है तुम्हें, तो मान लो आपके पास है बी सी एल थ्री, बी बी आर थ्री, बी एफ थ्री, ए एल सी एल थ्री, इन सब के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। इन सब के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। ऐसे ही एक है कार्बोकेटायन सी एच थ्री पॉजिटिव, क्या है इन सब के पास? वैकेंट। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, क्लियर? हाँ, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। डन, जनरल। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होगा? जिसके पास लोन पेयर है, मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, कम से कम उसके पास एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यही हाइड्रोजन का ये वाला फॉर्म H माइनस है ना, मान लो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, HS माइनस, कोई भी एनायन आपको दिख जाए तो उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो होगा ही होगा, क्लियर? न्यूट्रल में H2O, NH3, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर, H2S अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर, PH3 अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर, ROH अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर, RCOOH अगेन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, चाहे विथ नेगेटिव साइन चाहे विदाउट नेगेटिव साइन, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, और जो दिया उसे क्या बोलेंगे? बेस। इसी में एक नाम आएगा कार्बेनायन, सी एच थ्री नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बेनायन, और इसको बोलते कार्बोकेटायन। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये कॉन्सेप्ट था किसका? लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। डन, अब एक बात करेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की। हमें कैसे पता चलेगा कि साहब कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है और कोई एसिड वीक है? तो हेडिंग डालो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हेडिंग लगाइए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखो, एक तो बात एक्सपेरिमेंटल है। क्या मतलब एक्सपेरिमेंटल? मान लीजिए कि आपको कोई एसिड दिया HX, इसका सॉल्यूशन बना लिया,
H2O में कंडक्टेंस चेक किया, क्या चेक किया, कंडक्टेंस। दूसरा एसिड है HY, इसको भी H2O में सॉल्यूशन बना लिया, इसका भी कंडक्टेंस चेक किया, इसका कंडक्टेंस पाया गया हाई, इसका कंडक्टेंस पाया गया लो। क्लियर? तो जाहिर सी बात है इसे हम लोग क्या नाम बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। और इसे क्या बोलेंगे, तो ये तो एक्सपेरिमेंटली हुआ ना, हम तो लैब में जा नहीं रहे, हमारे सामने तो क्वेश्चन आएगा, बोलेगा ये वाला स्ट्रॉन्ग की वीक, हमें तो थ्योरेटिकली आंसर देना है। तो ये बात थी एक्सपेरिमेंटल। अब और थ्योरेटिकली पे, तो थ्योरेटिकली पे क्या बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है HX, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, सर हमें ये समझाओ, ठीक है, तो इसके साथ कौन जुड़ा है एक्स के साथ, एच है ना। इसी हाइड्रोजन का नेचर तो देखेंगे ना कि ये भाई साहब एसिडिक है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि ये कितना ज्यादा एसिडिक है, क्या मतलब, क्या मतलब कि मान लो इसी के साथ हमने दूसरा सब्सटेंस ले लिया HY और पूछा रिलेटिव स्ट्रेंथ बताओ इन दोनों का, तो हम यही फौरन क्या लगा लेंगे, Y के साथ H। तो बेसिकली हमसे ये सवाल तो पूछा जा रहा है कि भाई साहब ये ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे वाला हाइड्रोजन दोनों में से ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी छोड़ के जाने की। क्लियर? तो एसिडिक नेचर ही क्यों आता है किसी सब्सटेंस के अंदर, जैसे आपने अभी देखा कि H2O क्या हुआ, होता तो न्यूट्रल है लेकिन इसका बिहेवियर अभी एसिड वाला देखा था ना कि जब अमोनिया के साथ रख दिए। लेकिन अगर हम मीथेन की बात करें, HF था, HCl है, ये सब एसिड है, ये मीथेन चार चार हाइड्रोजन इसके पास, इसका नाम कभी एसिड में नहीं सुना, क्यों नहीं सुना, दे नहीं पाता। अब देगा कब, ये तो मुद्दा है, जब पोलैरिटी होगी। क्यों नहीं देता चार चार हाइड्रोजन होने के बाद, जैसे भी आपने पूछा कि कार्बन पे नहीं लगा सकते क्या, तो वो नहीं निकल रहा था। जैसे जैसे अपने पास एक मॉलिक्यूल है HCO O माइनस, सॉरी HCO OH फॉर्मिक एसिड, तो जब भी हमें यहां से हाइड्रोजन निकालना होता तो हाइड्रोजन तो दोनों है, हम क्या कहते हैं कि ये वाला तो भाई साहब नहीं निकलेगा लेकिन ये वाला निकल जाता है। ये क्यों निकल गया, ये क्यों नहीं निकला, तो क्या बोल रहे, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा था। क्लियर? ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा था तो ये वाला बॉन्ड पोलर था इसलिए वो टूट गया, ये वाला बॉन्ड पोलर नहीं था इसलिए वो नहीं टूटा। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो पहला मुद्दा क्या है कि जो हाइड्रोजन जुड़ा है जिस एटम के साथ, तो भाई साहब इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो फिक्स ना। क्लियर? अब बोलेंगे कि जो एटम है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई, क्या होनी चाहिए, हाई। दूसरी बात, इसका साइज क्या होना चाहिए, लार्ज, क्या होना चाहिए, लार्ज साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। तो अब जैसे हमने आपसे ये दोनों सवाल पूछा HX HY में कौन ज्यादा, आप बोलोगे सर इन दोनों बात के बारे में जवाब दे दो, हम फौरन आंसर दे देते हैं। क्लियर? तो कौन सा फैक्टर है, दो ही फैक्टर है जो बताएगा, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दूसरा साइज। ठीक? दोनों में से मेन फैक्टर कौन सा है, तो बोलेंगे साइज वाला। कौन सा वाला, साइज वाला, साइज ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके मुकाबले में, इलेक्ट्रो। दोनों का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्यों आखिर यही दोनों बात इंपॉर्टेंट है, इससे लेना देना क्या है, उस बात को हम लोग सोचते हैं। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ आप कहां डिफाइन करते हो, एसिड का कॉन्सेप्ट ही कहां डिफाइन करते हो, पानी में। पानी क्या है अपने आप में, बोलेंगे पोलर है। पानी क्या है, पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई होता है। क्यों पोलर है, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहां भी डेल्टा प्लस, इन दोनों का सम मिला के यहां बड़ा सा डेल्टा माइनस, तो ये सब्सटेंस क्या हुआ, पोलर। तो पानी में कोई भी पोलर सब्सटेंस आएगा तो पानी उसको तोड़ देगा, पानी उसको तोड़ देगा। क्लियर? जो
हाइड्रोजन है, इस पर क्या आएगा अगर चार्ज पॉजिटिव, इसको अपने नेगेटिव एंड से घेर लेगा। जो एक्स है उस पर आएगा नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव एंड से घेर लेगा और खींच करके तोड़ देगा उसको। तो एक्चुअली वो पानी है जो एसिड को तोड़ करके एसिड बनाता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर। तो ये इसके साथ जुड़े, इंटरैक्ट करे, इसके लिए क्या जरूरी है? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का तो डिफरेंस होना ही चाहिए ना। अगर पोलैरिटी नहीं हुई तो ये उसको मुंह ही नहीं लगाएगा। समझ में आ रही बात? तो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है कि नहीं है, पहली बात ये कि उसमें कार्बन, उसमें हाइड्रोजन और एटम के बीच में पोलैरिटी है कि नहीं, उसमें हाइड्रोजन और एटम के बीच में पोलैरिटी है कि नहीं, पहली बात तो ये चेक करना है। क्यों चाहिए वो पोलैरिटी? बिकॉज तभी तो हाइड्रोजन, तभी तो वाटर उसको तोड़ पाएगा। समझ में आई बात? तो ये रोल है किसका? इलेक्ट्रो निगेटिविटी का। अगर पोलैरिटी, जैसे मिथेन था, मिथेन में क्या कार्बन हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम, लगभग एग्जैक्टली सेम नहीं, लगभग सेम, तो पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं है तो पानी उससे नहीं मिला। क्लियर। लेकिन HCl वहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, हाइड्रोजन का दो और क्लोरीन का लगभग कितना, तीन, तो लगभग एक का डिफरेंस, तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो वहां पानी चला गया उससे भिड़ने। समझ में आ रही बात? अब दूसरी बात कि सर साइज का क्या मुद्दा है, तो जरा देखो, अगर हम आपसे बोलें कि HF और HCl और HBr और HI, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता, तो बोलते हैं कौन, सबसे ज्यादा HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। हालांकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी तो चार है, इसकी तो तीन है, इसकी 2.8 है, इसकी 2.5 है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो आयोडीन का सबसे कम है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ उसी का सबसे ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? तो क्या बोलेंगे, साइज है ना, फ्लोरीन छोटे साइज का, तो फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो ऐसा, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, ब्रोमीन का और बड़ा हो गया तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगा, आयोडीन का और बड़ा हो गया तो आयोडीन का और बढ़ जाएगा। बोलो या सर नो? जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। व्हाट इज बॉन्ड या व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स, है ना। इस पे भी चार्ज, इस पे भी चार्ज, सब पे चार्ज है। अब नो डाउट यहां पोलैरिटी सबसे ज्यादा, यहां पोलैरिटी सबसे कम, वो बात तो है। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पोलैरिटी सब में। अब साइज का मसला है, साइज जितना बड़ा उतना दूर, जितना दूर उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना आसानी से टूट जाएगा। यस आर नो? क्लियर। इसलिए साइज का फैक्टर डोमिनेट करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। क्लियर। अब एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड किया? जिसका बड़ा साइज है ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो क्या बोलोगे तुम? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज किसका? ऑफ द एटम बॉन्डेड टू एसिडिक हाइड्रोजन। जो एसिडिक हाइड्रोजन है उससे जुड़ा हुआ जो एटम है उसके साइज पे डिपेंड करेगा। क्लियर। अगर साइज लगभग सेम है, समझ में आ रही बात, साइज अगर बदल गया तब तो पहले साइज है, अगर साइज लगभग सेम है तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आ जाएगा। तब क्या बोलोगे? अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोलोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका? ऑफ द एटम बॉन्डेड टू द एसिडिक हाइड्रोजन। समझ में आई बात? इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कौन? एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बोलोगे सर यहां तो दो बातों में हम फंस करेगा, हम कौन सा लगाएं, है ना, हम कौन सा लगाएं, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग? तो देखो, साइज वाला कब अप्लाई करते हैं? इन सेम ग्रुप, ठीक, और व्हेन देयर इज चेंज इन पीरियड।
जाहिर बात है ग्रुप में तो स्पिरिट चेंज करेगा ही। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कब लगाएंगे? व्हेन, हाँ व्हेन साइज इज सेम और नियरली सेम। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? नियरली सेम, जब नियरली सेम साइज होगा मतलब कहां, दैट इज इन सेम, हाँ पीरियड, सेम पीरियड। जैसे हमें बात करना है HF, H2O, NH3, CH4, तब बोलेंगे। अब क्या यहां साइज बदल रहा है? बोलेंगे ना, पीरियड में तो साइज लगभग सेम। तो फिर फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, जो जुड़ा है यहां फ्लोरीन, यहां ऑक्सीजन, यहां नाइट्रोजन, यहां कार्बन, तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। किस बेसिस पे यहां एक्सप्लेन किया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे। वहां किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया? साइज की बेसिस पे। समझ में आ रही बात? तो जब पीरियड आ जाए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक, ग्रुप आ जाए साइज, ऑलवेज याद रहेगा, कोई दिक्कत? हाँ, टूट गया जो ज्यादा टूटता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो स्ट्रॉन्गली टूटता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना, या जो बोलेंगे। हाँ, इसका दूसरा रेफरेंस ले जाएंगे क्या, कि जो ज्यादा कंडक्टेंस शो करेगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जो स्ट्रॉन्गली कंडक्ट कर रहा है, किसको? हाँ, क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो यह है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये बात लिख लो जल्दी से, नोट करना है तो करो वरना छोड़ दो। क्लियर ना? ऑर्गेनिक में इस्तेमाल है इसका, पार्ट तो ये इनऑर्गेनिक का है ना, चूंकि अभी आएगा ना एसिड, स्ट्रॉन्ग भी आएगा वीक भी आएगा, तो आप पूछ दोगे बीच में ये सर स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, जैसे भाई साहब ने पूछ दिया ना कार्बन से काय नहीं निकला, तो अभी हम लाएंगे एसिड, तो बोलेगा अभी सर ये स्ट्रॉन्ग काय हो गया, ये वीक काय हो गया, तो काय को हम बीच में लगाते रहे, एक बार मुद्दा ही क्यों ना खत्म कर देंगे, भैया ये स्ट्रॉन्ग और ये वीक खत्म। क्लियर? अब हम अपना आराम से चलेंगे, हमें क्या पढ़ना है? आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम इज द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें सारा मामला एक्सपेरिमेंटली डील करना है। के ए चुके इतना आया इसलिए स्ट्रॉन्ग है, के ए कम आया इसलिए वीक है, अपना मुद्दा तो ये चलेगा, हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। क्लियर? ना तो हम उसके थ्योरी में जा रहे हैं ना हम उसके एक्सपेरिमेंट में जा रहे हैं, हम सिर्फ क्या बात करेंगे, के ए देखेंगे वो आया एक्सपेरिमेंट से, अपना आंसर तैयार। जिसके लिए के ए की वैल्यू पॉजिटिव या वेरी हाई बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके लिए के ए की वैल्यू नेगेटिव या वेरी लो बोलेंगे वीक एसिड। क्लियर? दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए काम है वो है नेगलेक्ट करने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेगलेक्ट करने। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं वन प्लस 0.5, आप धड़ से बोलोगे 1.5 सर, लेकिन मैं बोलूं 1 प्लस 0.005, नो डाउट इट इज 1.005, बट हम लोग इसको बोलेंगे 1। अगर ये कला सीख गए तो खेल खत्म है, और अगर इसकी पूछ पकड़ने में लग गए तो फिर तबाही है। का है? अभी बता रहे हैं, ये आ जाएगा 4, रूट निकाल तो 2 हो गया, और सर अब ये है 4 प्लस 0.003, अब रूट निकाल तो आ जाएगा 4.003। निकालते रहो तुम रूट, निकाल करोगे भी क्या कर लोगे, क्या फर्क ही पड़ जाएगा इसका, इसलिए बोलेंगे इसको नेग्लेक्ट करने आना चाहिए। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे 4 एसिड से, ठीक, एक एसिड से कितना आया 10 की पावर -2, दूसरे से कितना आया 10 की पावर -3, तीसरे से कितना आया 2 × 10 की पावर -2, चौथे से कितना आया 10 की पावर -7, कितना आया -6। हम इन तीनों को जोड़ेंगे, इसको भुला देंगे। क्लियर है? तो इस चैप्टर में अपना नेग्लेक्ट वाला जो मसला है वो समझ में आना चाहिए कि हम क्यों किसी को ले रहे हैं, क्यों किसी को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्यों छोड़ते हैं? बेसिकली अपनी आसानी के लिए। क्यों छोड़ दिया इसको? क्या छोड़ना चाहिए? कभी नहीं। फिर छोड़ा क्यों? आसानी के लिए। तुम लेकर के ही क्या कर लोगे? दूसरे तीसरे डिजिट पे फर्क पड़ रहा है, उससे क्या फर्क आ रहा है? क्लियर? ठीक, तो आज इतना ही रखें, बढ़ाएं आगे, दी एंड। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।